बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है वो इन दिनों उत्तराखंड अपने धाम पहुंचे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बाबा के पहुंचने पर लाखों हजारों श्रद्धालुओं उनको रिसीव करने गए हैं। वीडियो में बाबा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तराखंड की पवित्र धरती पर बागेश्वर धाम में होने वाले सभी कार्यक्रम में संतों को आमंत्रित करते हुए वे सभी का प्रेम स्वीकार करते हैं। साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा है कि जो उनके विरोधी हैं वो कायदे में रहे तभी फायदे में रहेंगे। वायरल वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ आचार्य बालकृष्ण भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने वीडियो में कहा है कि आचार्य बालकृष्ण समूचे भारत में लोगों को औषधि से लाभ पहुंचा रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण ने वीडियो में कहा है कि भारत में हम लोग औषधि से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा है कि सब लोग प्रेम पूर्वक रहें। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी भव्य यज्ञ होने जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 13 से 19 फरवरी को यज्ञ होगा, उसी के लिए हम सभी को निमंत्रित कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मौजूद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इंटरनेट मीडिया से लेकर टेलीविजन तक हर तरफ छाए हुए हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बागेश्वर धाम आते हैं। बाबा उन्हें उनकी परेशानियों से निजात दिलाने का दावा करते हैं। भक्तों की माने तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भगवान हनुमान जी की कृपा है। दिव्य दरबार में भगवान हनुमान जी और दिव्य शक्तियों को उनको प्रेरणा देती है। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहे जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब न्यूज चैनल जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ।